तो मैं एक दिव्यांश सिंह फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विन मस्ती में। तो गाइस इस वीडियो में पार्ट थ्री स्क्रिप्ट कैसे बनाए, कॉइन एडर स्क्रिप्ट कैसे बनाए कि पार्ट थ्री शुरू करने से पहले मैं जो मैंने पिछली वीडियो में गिव अवे किया था उसका विनर अनाउंस कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं शेयर के ऑप्शन पर टैप करता हूँ कि गाइस तो यही वो वीडियो थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करेंगे। कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर देखिए मेरी लिंक जो कॉपी हो चुकी है। कॉपी हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे अपने रैंडम कमेंट पिकर में यारों के। तो चलो मैं रैंडम कमेंट पिकर में आ चुका हूँ और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देता हूँ, पेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। यार कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखते हैं हम लोग सामने कितने आए हैं कमेंटों को। तो यहाँ पे 31 कमेंट्स आए। तो चलो हम लोग पिक आ कमेंट पे क्लिक करते हैं। पिक आ कमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा बेस्ट वीडियो ब्रो के थैंक यू भाई लक्ष्मी गुप्ता यार जीत चुके हैं, तो थैंक यू भाई थैंक यू। ओके तो यहाँ पे चलो हम लोग इनको पेटीएम कैश यार दे देते हैं आप लोगों को, क्योंकि सामने यार दे रहा हूँ। तो चलो हम लोग पे के ऑप्शन पर टैप करते हैं, उसके बाद मैं दो विनर्स और निकालूंगा। ओके तो बस यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जो लोग चैनल पर नया हो तो प्लीज आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आके कर दो के। तो चलो मैं पे के ऑप्शन पर टैप करता हूँ। ओके पे के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो मैंने नंबर वहाँ से कॉपी किया था ओके वाला नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो यार वीडियो बड़ी हो जाएगी तब भी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम लोग कॉइन एडर स्क्रिप्ट बनाने वाले हो। तो चलो हम लोग यहाँ प्रोसीड पर टैप करते हो क्या। जैसे हम लोग यहाँ प्रोसीड पर टैप करेंगे इनको चलिए मैं पेटीएम कैश दे देता हूँ यार ओके। तो बस यार वीडियो को लास्ट तक रहो। जैसे मैंने प्रोसीड पर टैप किया यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया ओके। अमाउंट डाल देने के बाद यहाँ पे ऐड अ मैसेज पर टैप करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर ओके। तो यहाँ पे देख लो मैं लिख देता हूँ टेक्निकल फ्रेंड ओके। उसका यहाँ लिख दूंगा गिव वे विनर। शायद आप लोगों का ना दिखाई दे, क्योंकि गाइस यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है ओके, जिस कारण आप लोगों का नहीं दिखाई देता हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे डाल दिया ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको दे देते हो। तो यहाँ पे चलो हम लोग पेपर या क्लिक कर देते हो ओके। पेपर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको कन्फर्म कर देंगे ओके गाइस। तो जैसे हम लोग इसको कन्फर्म करेंगे ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा हो चुका ओके। चलो मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझको इसका टेलीग्राम पर भी डालना है। तो मैंने जैसे इसका स्क्रीन शॉट ले लिया ओके। तो चलो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले में ओके। और नेक्स्ट वाले में हम लोग नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे पिक करते हैं ओके, और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कौन विनर होता है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ ओके। और यहाँ पे फिर से पिक आ विनर पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कौन विनर होता है। तो थैंक यू भाई ऑनलाइन किंग यार, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया, वाओ ब्रो यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई ओके। तो चलो मैं इनका भी यार जो पेटीएम नंबर है वो कॉपी कर लेता हूँ यार ओके। कॉपी कर लेने के बाद हम लोग चलेंगे वापस अपने पेटीएम में ओके, और इनको पे कर देंगे इनको भी रुपीज़ ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक को विनर को दे दिया ओके। अब दूसरे विनर को मैं यहाँ पे चलिए दे देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इनका भी दूसरा विनर जो है ओके, इनका भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यार नंबर को। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे इनका नंबर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया ओके। पेस्ट कर देने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रोसीड पर या क्लिक करूँगा। देखो यार आप लोगों को क्या क्योंकि सामने यार यहाँ पे लाइव दे रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको रुपीज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर यार ओके। तो यहाँ पे देख लो मैं आप लोगों के आंखों के सामने डाल रहा हूँ यार ओके। तो वीडियो को लास्ट तक देखो कि तो आप देखो जैसे मैंने डाल दिया ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर डाल दिया ओके। उसके बाद हम लोग पेपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ क्या। कन्फर्म कर देने के बाद ओके, कन्फर्म कर देने के बाद देखो यहाँ पे मेरा सेकंड विनर भी आ चुका है यार ओके। तो यहाँ पे चलो मैं इसका भी स्क्रीन शॉट यार ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे यहाँ पर थर्ड विनर निकालने यार ओके। अब हम लोग उसको कट पर या क्लिक कर देते हैं। कट पर क्लिक करने के बाद पिक विनर पे क्लिक करते हैं। तो इन्होंने लिखा थैंक यू भाई अर्न मास्टर या जीत चुके हैं यार ओके, थैंक यू भाई। इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कोई पेटीएम नंबर दिया। तो चलो कोई बात नहीं यार ओके। प्लीज़ भाई आप सभी लोग ऐसे सपोर्ट किया करो, तभी मैं ऐसी वीडियोज यार ला पाता हूँ, तभी मैं गिव अवे कर पाता हूँ। तो चलो हम लोग होम पर क्लिक करते ओके। होम पर क्लिक करने के बाद हम लोग पेपर क्लिक करेंगे ओके। पेपर क्लिक करने के बाद ये थर्ड विनर जो है मेरे ओके अर्न मास्टर, इनको भी हमें चलो यहाँ पे पेटीएम कैश दे देता हूँ। तो यहाँ पे चलो मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे ओके। पेस्ट करने के बाद हम लोग प्रोसीड पर या टैप करेंगे। अगर बैकग्राउंड से कोई भी वाइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाल दिया ओके। अब हम लोग ऐड मैसेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर यार डाल देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर मैं डाली दे रहा हूँ यार ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने टेक्निकल फ्रेंड गिव अवे विनर डाल दिया ओके, और इनको भी मैं यहाँ पे चलिए सेंड कर देता हूँ रुपीज़ ओके। अब मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा ओके। कन्फर्म कर देने के बाद यार ओके तीनों भाइयों को यार मैंने अब यहाँ पे शेयर कर दिया। तो चलो अब यार हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया यार ओके, तो जाओ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम पे अब तो यार मेरे 1K मेंबर्स हो चुके हैं, 1K की फैमिली यार पूरी हो चुकी है। सभी लोग कहते हैं मेंबर्स पूरे हो, लेकिन मैं कहता हूँ आज मेरी 1K की फैमिली पूरी हो गई ओके। तो जाओ यार इसको जल्दी से ये ज्वाइन कर लो। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार मिल जाएगी, तो जाओ यार वहाँ से जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो ओके। ओके यार तो चलो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ आज हम लोगों का टॉपिक क्या, आज हम लोगों का पार्ट थ्री ओके। अगर आप लोगों को पार्ट फोर चाहिए तो भी आप लोग यार कमेंट करना, मैं आप लोगों को पार्ट फोर भी दूंगा ओके। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं ओके। तो गाइस आप लोगों को यार सबसे पहले आज मैं जिस ऐप की कॉइन एडर स्क्रिप्ट देने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ कैसे बनती है ओके, उस एप्लीकेशन का नाम है यार स्टैटो ओके। इस एप्लीकेशन की लिंक आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी ओके। तो इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। देखो यार ये
एप्लीकेशन पेमेंट देती है मगर जब आप लोग जेन्युइन रेफर करोगे, लेकिन मैं आज ये एप्लीकेशन केवल रेफर स्क्रिप्ट सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ओके। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये पेमेंट नहीं देती, पेमेंट एप्लीकेशन देती है 100% पेमेंट देती है ओके। लेकिन गाइज ये रेफर स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो पेमेंट नहीं देती, लेकिन गाइज मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको आप लोग रेफर स्क्रिप्ट बना सकते हो और वो रेफर स्क्रिप्ट से भी पेमेंट देती है ओके। तो ऐसी एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं आप लोगों को रेफर स्क्रिप्ट सिखा देता हूँ ओके। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन और डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना यार ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ ओके, टेलीग्राम चैनल पर आ जाना और यहाँ पर देखो यार SSL कैप्चर प्रो एप्लीकेशन जो ना इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को नेट कैप्चर का यूज़ नहीं करना यार ओके। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, देखो यार आप लोगों को यहाँ पर आ जाना, SSL कैप्चर जो है ना वो आप लोगों को चूज करके ओपन कर लेना ओके। उसके बाद ये ऊपर जो आइकन दिख रहा है ना इस पर आप लोग टैप करना, इस पर टैप करने के बाद सेलेक्टेड ऐप में जाना ओके। सेलेक्टेड ऐप में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जो स्टार्ट एप्लीकेशन या जो भी आप लोग एप्लीकेशन का स्क्रिप्ट बनाना चाहते हो ओके वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी यार ओके। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन जो यार सेलेक्ट कर लेता हूँ यार ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यार ओके, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो ग्रीन बटन दिख रहा है उसको ओपन करने के बाद कैंसिल कर देना, कभी भी यार इनेबल मत किया करना, कैंसिल हमेशा किया करना ओके। अब आप लोगों को बैक आ जाना, बैक आ जाने के बाद आप लोगों को वापस से स्टार्ट एप्लीकेशन में यार चलना ओके। स्टार्ट एप्लीकेशन में चलने के बाद देखो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखो यार आप लोगों का मैं इसका रेफर स्क्रिप्ट सारा वाइन एड स्क्रिप्ट यार आप लोगों को खास आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मैं जो भी PHP दिखाऊंगा फ्री में मिल जाएगी आप लोगों को के टेलीग्राम चैनल पे को। तो जो यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सभी लोगों के। तो चलो यार हम लोग अलाउ परमिशन कर देते हैं यार ओके। अलाउ परमिशन कर देने के बाद देखो यार वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देने के बाद देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टार्ट एप्लीकेशन जो है ना कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी ओके। यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहेगा तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो यार ओके। मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को जो थ्री लाइंस दिख रहे हैं ना इस पर टैप कर देना यार ओके। थ्री लाइंस पर टैप करने के बाद देखो यहाँ पर थ्री लाइंस पर लोग जैसे टैप करेंगे कि यहाँ पे देखो दिख रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर ओके। आप लोग इस पर टैप करना यार, लॉगिन एंड रजिस्टर पर टैप करने के बाद आप लोगों को फेसबुक से नहीं, आप लोगों को यहाँ पे गूगल से, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना गूगल से ही आप लोगों को यहाँ पे साइन अप करना है। पहले बता रहा हूँ लॉगिन नहीं करना, आप लोगों को एक न्यू ईमेल आईडी से साइन अप करना है। फिर से सुन लीजिए, आप लोगों को एक न्यू ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप करना है, लॉगिन नहीं करना है। 10 बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि लॉगिन नहीं साइन अप करना है, साइन अप करना है, लॉगिन मत करना यार वरना आप लोगों का ये नहीं होगा ओके। तो यहाँ पे चलो अब यार मैं यहाँ पे ये ईमेल आईडी जो ये मेरी अनरजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो उसको मैं चलिए यार सेलेक्ट कर लेता हूँ यार ओके। सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिएगा अब मेरे सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो चालू यार हो जाएगा यार ओके। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन इन प्रोग्रेस यार हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग सामने पे रेफरेंस कोड का ऑप्शन आएगा ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 112233 यहाँ पे आप लोगों को ये रेफरेंस कोड डाल देना ओके। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करना यार ठीक। सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा बताएगा ये रेफरेंस कोड गलत है मैं जानता हूँ ओके। यहाँ पे अब हम लोग मे बी लेटर पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यार यहाँ पे आप लोगों को क्या हुआ इसलिए मैंने इसको कहा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ताकि पता चल सके यहाँ पे मेरा रेफर कोड आप लोगों को कहाँ डालना है डाटा में ओके। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे यार ओके। बंद कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डाटा चूज करना आप लोगों को दिखाता हूँ ओके। तो यहाँ पे देख लो मैं आप लोगों को डाटा दिखा देता हूँ कौन सा डाटा आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना, नीचे से आप लोगों का डाटा चेक करते रहना ओके। यहाँ पे देखो एक डाटा होगा ओके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रजिस्टर्ड डाटा ओके। वो रजिस्टर्ड डाटा कौन सा हो गया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक एक डाटा ओपन करके आप लोगों का दिखा देता हूँ यार यहाँ पे कौन सा मेरा रजिस्टर्ड डाटा है यार ओके। तो देखो यार सब कुछ यार समझा रहा हूँ बस वीडियो पे लास्ट तक रहो, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके। तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोगों को दो डाटा मिलेंगे ओके। एक तो ये डाटा मिलेगा ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कौन सा डाटा ओके। ये है रजिस्टर डाटा, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है रजिस्टर, ये आप लोगों का रजिस्टर डाटा होगा ओके। और आप लोगों को इसमें एक और डाटा मिलेगा यहाँ पे, ये टोकन डाटा, इसके ऊपर है रेफरल डाटा ओके। रेफरल डाटा में इस पर आप लोग टैप करोगे ओके। तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है यूजर कोड ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का ये रेफरल डाटा ओके। ये दोनों डाटा आप लोगों का निकाल लेने, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे दो डाटा निकालने, कौन कौन सा निकालने। देखो पहले आप लोगों को ये नीचे वाला जो है रजिस्टर डाटा ये निकालना है ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है ये यूजर कोड वाला ये जो डाटा निकाल लेना ओके। तो अब चलो यार हम लोग अपने PHP की तरफ यार चलते हैं ओके। सो PHP पे चलने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को दो डाटा निकालने हैं यार, एक यूज़र कोड ओके और एक यहाँ पे रजिस्टर डाटा। आप लोगों को एक ही बार में डाटा निकालोगे ओके रेफरेंस कोड 123 डाल के, तो ही आप लोगों का डाटा रजिस्टर और यूज़र का निकलेगा। आप लोगों को इसमें ढूंढना पड़ेगा ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक रजिस्टर डाटा ढूंढ लिया है और एक यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक यूज़र कोड डाटा ढूंढ लिया ठीक। अब चलो यार हम लोग PHP की तरफ चलते हैं। PHP आप लोगों को कहाँ मिलेगी, देखो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना यार ओके। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस वीडियो पर 30 लाख कंप्लीट करने यार ओके। जैसे ही आप लोग इस वीडियो पर 30 लाख कंप्लीट कर देते हो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे टेलीग्राम पर नीचे PHP दे दूंगा। कौन सी PHP दूंगा दिखा देता हूँ सबसे पहले।
ओके सो देखिए मैं ये दो PHP आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा। ओके तो यहाँ पे देखो ये PHP तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पहले ही दे चुका हूँ। ओके और ये वाली PHP मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा बाईपास PHP। ओके तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंडेक्स पे सबसे पहले चलेंगे यार। ओके इंडेक्स पे चलने के बाद मैं आप लोगों को देखता हूँ इंडेक्स में आप लोगों को क्या चेंजेस करनी है यार। ओके तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को इंडेक्स एडिट करना पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा जाए पार्ट वन देखो, तो यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ पहले एडिट कर रखा है यार। ओके अब इसमें आप लोगों को क्या चेंजेस करनी है, देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चेंजेस खास नहीं करनी दी यार। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ क्या चीज़। ओके यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है एक्शन के बराबर sms.php यार। ओके इस पर आप लोगों का टैप करना है यार। ओके sms.php पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है bypass.php, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिख देना। ओके और यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है नेम के आगे नम, इस नेम के आगे जो नम दिख रहा है ना इस नम पे आप लोगों को यहाँ पे क्या लिख देना, देखो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना रेफर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रेफर लिख देना, ठीक है। रेफर लिख देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और चेंजेस करनी होगी। यहाँ पे देखो जो लिखा है बॉम्बर रेफर स्क्रिप्ट यार। ओके आप लोगों को यहाँ पे स्टेटो डाल देना। ओके स्टेटो रेफर स्क्रिप्ट जो एप्लीकेशन का नाम है वो डालना है, ठीक है। ये डाल देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोगों का काम यार यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम लोगों का दूसरी PHP खोलनी यार, ठीक है। अब मेन चीज़ यहीं से चालू होती है। ये देखिए गाइस वीडियो बड़ी होगी क्योंकि गाइस इसको एडिट करना थोड़ा यार मुश्किल है, लेकिन यार मैं आप लोगों का स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ। कि तो यहाँ पे देखो हम लोग bypass.php यार खोल लेते हैं। ओके यार bypass.php पे खोलने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। आप लोगों को इसमें नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देख लो यहाँ पे दिख रहा है URL। ओके यहाँ पे लिखा है रजिस्टर URL, ठीक है। रजिस्टर URL आप लोगों को यार कहाँ मिलेगा, देखो यार रजिस्टर URL आप लोगों को वापस से आ जाना SSL कैप्चर में। ओके और यहाँ पे देख लो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर डाटा जो दिख रहा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट में रजिस्टर लिखा है ना जिसपे, इस पर आप लोगों का जो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर आप लोग टैप कर देना। ओके कॉपी के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप लोगों का कॉपी हो जाएगा यार। ओके कॉपी के ऑप्शन पर टैप कर दो, उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इस ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट से लेकर के ओके क्लोज ब्रैकेट तक पूरा लाना है यार। ओके क्लोज ब्रैकेट ही पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ओके कोई भी ब्रैकेट नहीं रखना, क्लोज ब्रैकेट से लेके ओपन ब्रैकेट तक पूरा सेलेक्ट करना। ओके उसका यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है यार रजिस्टर डाटा यार। ओके रजिस्टर डाटा आप लोग कहाँ से लेकर आओगे यार। ओके रजिस्टर डाटा आप लोगों को देखो यहाँ पे नीचे मिल जाएगा यार। ये देखो नीचे रजिस्टर डाटा मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब देखो मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया यार। ओके यहाँ पे कॉपी करने के बाद यार, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट को पूरा कट करके यहाँ पे उसको ही पेस्ट कर देंगे यार। ओके तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब इसमें आप लोगों को क्या चेंजेस करनी है यार। देखो मैं आप लोगों का चेंजेस समझा देता हूँ सबसे पहले। ओके सो देखो यहाँ पे आप लोगों को डाटा में क्या चेंज करना है। देखो आप लोगों को जो डाटा में जहाँ लिखा आपका नेम, ओके जिस नेम से आप लोगों ने बनाया होगा, देखो नेम लिखा है ना इसके आगे आप लोगों का नेम होगा। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आप लोगों को कट कर देना। उसके बाद जो ये वाला साइन दिख रहा है ऊपर कॉमा, फिर डॉट, फिर डॉलर, फिर यहाँ लिखना है एफ नेम। ओके एफ नेम लिख देना, उसके बाद डॉट, फिर ऊपर वाला कॉमा लगा के इसको बंद कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम में जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ना इसको आप लोगों को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। देखो यार सब कुछ समझा रहा हूँ, अगर कोई भी साइन हट गया इसमें से ना यार तो फिर आप लोगों का ये PHP पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ओके इसमें अब आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे ऊपर कॉमा, फिर डॉट, फिर डॉलर, फिर पास, ओके फिर डॉट, फिर ऊपर कॉमा, ओके इस तरीके से डाल दोगे। ओके फिर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है पासवर्ड, ओके इस पासवर्ड पे आप लोगों को यहाँ पूरा सेलेक्ट करना है यार। ओके पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर कॉमा, फिर डॉट, फिर डॉलर, ओके और यहाँ पे फिर डालना है आप लोगों को पास। ओके यहाँ भी आप लोगों को पास डाल देना, फिर डॉट, फिर ये ऊपर कॉमा यार। ओके आप लोगों का ये काम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे क्या एडिट करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है होस्ट। होस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आप लोगों का PHP में वापस आ जाना है, ठीक है। PHP में वापस आ जाने के बाद आप लोगों को देखो दिख रहा है होस्ट। ओके ये होस्ट दिख रहा है ना, इसके आगे हम लोगों को जितना भी दिख रहा है ये हम सब कुछ कॉपी कर लेंगे। ओके यार कॉपी कर लेने के बाद देखो यहाँ पे जो होस्ट में जो ब्रैकेट के अंदर से है ब्रैकेट के बाहर तक, ओके ये पूरा ब्रैकेट से लेके हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और देखो यार जिन लोगों का समझ में ना आए वीडियो को प्लीज़ यार बैक करके एक बार देख लेना, वरना आप लोग कहोगे भाई ये PHP काम नहीं करी बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बैक करके देख लेना। ओके तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया होस्ट। ओके उसके बाद अब हम लोगों से यार यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यार अब हम लोगों से यहाँ पे कह रहा है यूज़र एजेंट यार। देखो यूज़र एजेंट कह रहा है, यूज़र एजेंट भी आप लोगों को वहीं से मिलेगा यार। ओके तो चलो मैं देखा देता हूँ आप लोगों को यूजर एजेंट। ओके तो यहाँ देखो ये यूजर एजेंट दिया यार। ओके इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करेंगे। ओके यहाँ पे कॉपी कर लिया यूजर एजेंट को। ओके उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इस ब्रैकेट से लेकर के
इस ब्रैकेट टेक हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे इसको कट कर देंगे कि, और कट करके यहाँ पे हम लोग अपना यूज़र एजेंट जो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर देंगे और आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट टाइप, यार कंटेंट टाइप में आप लोगों को क्या डालना है, देखो यार कंटेंट टाइप में आप लोगों को ये जो कंटेंट टाइप दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये जो कंटेंट टाइप दिख रहा है इसको हम लोग पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमने कॉपी किया कंटेंट टाइप। ओके, कंटेंट टाइप कॉपी कर लेने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको यार पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंटेंट टाइप। ओके, अब आप लोगों का यहाँ पे काम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आना आप लोगों को के, उसके बाद यहाँ पे देखो यही इसी में एक और PHP अटैच है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रेफर URL और रेफर डाटा। ओके, तो यहाँ पे चलो हम लोग अब रेफर वाले डाटा में चलते हैं। ओके, तो इसको बैक करेंगे और यहाँ पे देखो ये यूजर कोड वाला डाटा। ओके, ये देखो यहाँ पे देखो आप लोगों को कॉपी दिख रहा है। ओके, इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना यार। ओके, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है URL 1 और यहाँ पे दिख रहा है रेफर URL। ओके, इस पर आप लोगों के ब्रैकेट से पूरा सेलेक्ट करना। आप लोगों को बता दो प्लीज़ यार, वीडियो को अगर समझ में ना आए तो बैक करके एक बार फिर से देख लेना। ओके, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मैं ब्रैकेट जो हटा देता हूँ कि ब्रैकेट आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है Data 1 रेफर डाटा। ओके, यहाँ पे आप लोग इसको टैप करना। ओके, टैप करने के बाद यहाँ पे देखो अब इसको हम लोग पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है ना ये वाला रिक्वेस्ट बॉडी में। ओके, ये आप लोगों का पूरा सेलेक्ट करना है यार। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी कर देंगे यार। ओके, कॉपी कर लेने के बाद देखो यार डाटा पे जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके यार, इस ब्रैकेट से सेलेक्ट करने के बाद इस ब्रैकेट तक लाएंगे यहाँ पे। ओके, और इस ब्रैकेट में लाने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले डाटा में क्या लिखना है आप लोगों को, देखो जहाँ पे यूज़र लिखा है, ठीक है यार, वहाँ पे हम लोग इस जो यूज़र के आगे जो नंबर्स देना उसको हटाएंगे, फिर ऊपर कॉमा, ओके, फिर डॉट, फिर डॉलर, सॉरी कि यहाँ पे ऐसा आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉलर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूज़र। ओके, यहाँ पे डाला हमने यूज़र, फिर डॉट, फिर ऊपर कॉमा। ओके, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ दी की, की क्या कि जितना भी नंबर दिया ना यार, की क्या कि जितना नंबर दिया, ओके, उसको हम लोग पूरा का पूरा कट कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कॉमा, फिर डॉट, फिर डॉलर, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोकन, ठीक है। टोकन आप लोग देख लो यार अच्छे से, जो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना, तभी ये ट्रिक का स्क्रिप्ट काम करेगी। ओके, उसके आगे यहाँ पे लिखा रेफर कोड, यहाँ पे सॉरी का इस कोड लिखा। ओके, इसके आगे आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे इसको कट कर देना, इसके बाद ऊपर कॉमा, फिर डॉट, फिर यहाँ डालना डॉलर, फिर यहाँ डालना रेफ। ओके, रेफ डालना, फिर डॉट, फिर ये ऊपर कॉमा। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक ही कॉमा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा होस्ट डालने को यार। ओके, तो चलो यार आप लोग फिर से यहाँ पे होस्ट वोस्ट सब कुछ डाल देते हैं यार। ओके, तो यहाँ पे देखो वही सब कुछ यहाँ पे डाल देना जैसे आप लोगों ने पहले डाला था। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको डाल देते हैं यार। ओके, तो यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे होस्ट, मैंने यहाँ पे जल्दी से इसको मैं कॉपी किया। ओके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फिर से बता रहा हूँ ब्रैकेट के पीछे पेस्ट करना। ओके, ब्रैकेट मत यार आप लोग सेलेक्ट करना। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने होस्ट डाल दिया यार। ओके, होस्ट डाल देने के बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों से क्या पूछेगा। ओके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखो मुझसे क्या पूछा, नेक्स्ट चीज मुझसे पूछा रहा है यूज़र एजेंट यार। ओके, तो चलो हम लोग यूज़र एजेंट वाले में चलते हैं। कि यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे देख लो मेरा यूज़र एजेंट जो दिख रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा यार। ओके, कॉपी कर लेने के बाद हम लोग जहाँ यूज़र एजेंट पूछ रहा है यार, ओके, उस वालों को हम लोग पूरा ब्रैकेट से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद यार, ओके, कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यार। ओके, पेस्ट कर देने के बाद नीचे पूछा कॉन्टेंट टाइप यार। ओके, कॉन्टेंट टाइप में जो कॉन्टेंट टाइप आप लोगों का था यार, ओके, जैसे मेरा कॉन्टेंट टाइप कहाँ गया, ये रहा मेरा कॉन्टेंट टाइप। ओके, तो इसको मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पर दो आप लोगों को डाटा मिलेंगे, आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप वीडियो को समझ लो उसके बाद ही यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे कंटेंट टाइप जो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर देने के बाद अब देखो यार क्या करना है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा यार स्टेप है। यहाँ पे देखो आप लोगों को सब कुछ यार ऐसे ही रहने देना है यार। ओके, ऐसे ही रहने देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है आप लोगों का, देखो मैं आप लोगों का सब कुछ समझा देता हूँ। देखो उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। उसका यहाँ पे देखो मैं नीचे आऊँगा यार। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा चैनल नेम। ओके, यहाँ पे आप लोगों को अपना चैनल नेम डाल देना, ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों को चैनल नेम डाल देना, यहाँ टेलीग्राम चैनल लिंक डाल देनी, यहाँ यूट्यूब चैनल नेम डाल देना, यहाँ पे यूट्यूब चैनल लिंक डाल देनी। ओके, ये सब कुछ डाल देने के बाद यार देखो आप लोगों का काम हो जाएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे आप लोग ऐप नेम जो दिख रहा ना ये इसमें अपना नाम डाल देना, मैं ऊपर कोई भी नाम एडिट नहीं करने वाला। ओके, क्योंकि यार मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे खुद पर खुद एडिट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एडिट करके नहीं दिखाने वाला ऊपर वाला। ओके, बाकी सब आप लोग खुद एडिट कर लेना इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, गलती हो गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं इसको पूरा का पूरा कट कर देता हूँ यार। मैंने यहाँ पे यूजर एजेंट मैंने कॉपी कर रखा था, मैं भूल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल स्टैटो। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया स्टैटो स्पेस कर दिया। ओके, यहाँ पे आप लोगों का यार काम हो गया। आप लोगों को क्या करना है, आप देखो यहाँ पे आप लोगों को अपना टेलीग्राम लिंक डाल देना, जहाँ टेलीग्राम लिंक दिया यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम, यहाँ यूट्यूब लिंक डाल देना यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम, यहाँ टेलीग्राम लिंक, यहाँ टेलीग्राम चैनल का नाम, यहाँ यूट्यूब लिंक, यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम। ओके, इस तरीके से आप लोगों को डाल देना है। और यहाँ पे देख लो दिख रहा है योर नेम,
नीचे देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, नीचे हो गया देखो योर नेम दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो योर नेम दिख रहा है, ठीक है योर नेम। यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट से सेलेक्ट करना है पूरा, ठीक है ब्रैकेट से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना नाम डाल देना यार, अपना नाम डालना है, चैनल का नहीं डालना है, अपना नाम डालना है। तो पे चलो मैं दिव्यांश सिंह यार डाल देता हूँ, तो पे जैसे मैंने यहाँ पे दिव्यांश उसका सिंह यार डाल दिया, ओके कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। ओके उसके बाद हम लोग उसको सेव कर देते हैं यार, ओके सेव कर देने के बाद चलो यार हम लोग अपने वेब होस्टिंग में यार चलते हैं। ओके तो चलो मैं यहाँ पे क्रोम में आ जाता हूँ सबसे पहले। तो फिर यार देखो मैं अपने यार वेब होस्टिंग में आ चुका हूँ, तो अब मैं इस सीनरी पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैनेज वेबसाइट पर क्लिक करूंगा यार। ओके अब मैं आप लोगों को इसमें अपनी PHP अपलोड करके दिखाता हूँ कि यार वो PHP वर्किंग है या फिर नहीं। देखो मैंने आप लोगों के आंखों के सामने यार बनाया सब कुछ यार, आप लोगों के आंखों के सामने यार बनाया यार, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यार हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों का ओपन हो जाने देते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर चलिए यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। ओके ओके सो गाइस देखो मैं सामने नेक्स्ट पेज को जिस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे के, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर देना यार। ओके यहाँ पे भी आप लोग यार स्टेप अच्छे से समझ लो यार, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेरी ये स्क्रिप्ट जो यार वो वर्किंग है या फिर नहीं है यार। ओके यहाँ पे सब कुछ यार दिखा रहा हूँ यार, आप लोगों के आंखों के सामने यार दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बता दे रहा हूँ मैंने जहाँ जहाँ पे टेलीग्राम लिंक और यहाँ पे चैनल नेम डाला है वहाँ पे आप लोगों को अपना टेलीग्राम लिंक और चैनल नेम डाल देना। मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा चुका हूँ, तो जाके आप पिछली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 में मैंने सिखाया था कि आप लोग कैसे टेलीग्राम लिंक और चैनल नेम डालोगे। ओके तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि यार टाइम खाली मूली वेस्ट होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ओके इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला ये सब, आप लोग मगर डाल देना टेलीग्राम लिंक और चैनल नेम अपना। ओके मैंने वहाँ पे आप लोगों को पहले सिखा दिया इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं डाली। ओके अब आप लोगों का देखो दिख रहा है पब्लिक HTML, ओके इस पर आप लोग टैप करना। ओके टैप करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले यार आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस देखो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के जो फोल्डर का ऑप्शन देखना ना इस पर टैप करना। ओके और यहाँ पे आप लोग लिख देना स्टैटो। ओके जो आप लोगों की होगी आप लोगों की ऐप वो ऐप डाल देना यार। ओके तो यहाँ पे स्टैटो डाल दिया, आप लोग स्टैटो पे यार क्लिक करेंगे, स्टैटो पे क्लिक करने के बाद देखो अपलोड का ऑप्शन है, इसमें हम लोग सेलेक्ट फाइल पर टैप करते हैं। क्या सेलेक्ट फाइल पर टैप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में यार जाएंगे। ओके डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यार देखो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आ चुके। ओके डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे यार ओके अपने फोन में, ओके फोन स्टोरेज में चलेंगे और जहाँ पे आप लोगों ने PHP सेव कर रखी होगी ओके वहाँ पे आप लोगों को आ जाना यार। ओके तो यहाँ पे चलो सबसे पहले आप लोगों को index.php जो होगी ओके वो आप लोगों को अपलोड कर देनी यार। ओके तो चलो मैं इसको अपलोड पे क्लिक कर दिया। ओके अपलोड हो गया, अब हम लोग फिर से एक और PHP अपलोड करेंगे जो बाईपास PHP थी ओके उसको हम लोग अपलोड करेंगे। ओके अगर आप लोगों को दोनों PHP यार चाहिए तो प्लीज जाकर इस वीडियो पर 30 लाइक्स यार कंप्लीट कर दो। ओके अब हम लोग फिर से अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो आप देखना मेरा सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। ओके तो आप देखो मेरी दोनों PHP अपलोड हो चुकी है। ओके तो अब हम लोग index.php पे क्लिक करेंगे और इसको यार हम लोग व्यू देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का कैसा ओपन हुआ यार। ओके तो यहाँ पे देख लो मेरा यहाँ पे स्टेटो रेफर स्क्रिप्ट जो बन चुकी है यार। ओके वो बन चुकी है, अब हम लोग यहाँ पे अपना रेफर कोड जो है ना वो डालेंगे। ओके तो चलो हम लोग स्टेटो एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ से अपना जो रेफर कोड है वो कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेरा यार रेफर बाईपास यार होगा या फिर नहीं होगा, मेरे यहाँ पे कॉइन ऐड होते हैं या फिर नहीं होते। तो चलिए मैं इसको ओपन होने देता हूँ। आप लोग ऐसी ही कोई भी एप्लीकेशन के इससे रिलेटेड जैसे एप्लीकेशन के आप लोग कोई भी आप लोग रेफर स्क्रिप्ट बना सकते हो। कि तो यहाँ पे देख लो यार हम लोग यहाँ पे ये जो मेरा रेफर कोड इसको मैं टैप टू कॉपी कर लेता हूँ यार। टैप टू कॉपी कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जहाँ पे लिखा इंटर योर नंबर ओके यहाँ पे लाके आप लोगों का पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप लोगों का सबमिट पर टैप करना है, जैसे आप लोग सबमिट पर टैप करोगे ओके सबमिट पर टैप करने के बाद आप लोगों का थोड़ी देर वेट करना, तो आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आ जाएगा यार। ओके ऐसा आ जाने के बाद अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या होगा यार। ओके तो यहाँ पे देखना यार भूम कर यार देखो मेरा यार रेफर सक्सेसफुल यार हो चुके हैं। यहाँ पे देखो मैं पॉइंट ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यार। ओके बस यार मैं देखिए रिफ्रेश करता जा रहा हूँ यार, देखो यार यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा यार आप लोगों को जब भी वो रिफ्रेश होगा। ओके यहाँ पे देखिए आप लोगों के पॉइंट यार ऐड होते जा रहे हैं यार। ओके तो यहाँ पे देख लो मेरा यार ये स्क्रिप्ट जो बिल्कुल वर्किंग है यार। ओके यहाँ पे आप लोग अपने चैनल का नेम और चैनल लिंक डाल देना, यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नेम और लिंक और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक और यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देना। ओके जब ऐसा आ जाएगा आप लोगों के सामने समझो यार आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे रेफर सक्सेसफुल यार हो चुका। ओके अब देखते हैं हम लोग सामने फाइनल बैलेंस कितना यार, देखो यहाँ पे मेरा रेफर स्क्रिप्ट यार सक्सेसफुल वर्किंग यार। ओके तो चलो हम लोग बंद कर देते हैं। ओके और तो जाओ यार जल्दी से यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार। ओके टेलीग्राम पे ही आप लोगों के दोनों PHP मिलेंगी। ओके तो जाओ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिन लोगों ने नहीं किया यार। ओके और इस वीडियो पे 30 लाइक्स कंप्लीट कर दो, जैसे 30 लाइक्स कंप्लीट कर दो तो आप लोगों को मैं PHP दे दूंगा। ओके तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को और भी किसी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट बनाना सीखना है तो प्लीज़ यार मुझको आप लोग यहाँ पे मैं इन्हें बोट दे रखी। ओके तो आप लोग जाके यहाँ पे देखो ऊपर आप लोग आओगे मेरे उसमें और आप लोगों को यहाँ पे बॉट मिल जाएगी। ओके अगर आप लोग इस बॉट पे क्लिक करोगे यार ओके तो यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आप लोग बॉट में मैसेज कर देना मुझको के तो मैं आप लोगों को उस एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट बनाना सिखा दूंगा या फिर आप लोगों को उस एप्लीकेशन की PHP दे दूंगा। ओके तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।